हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनिंग न्यूज 13 डिस्कस करने वाले हैं। माइनिंग न्यूज के 13 एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 में जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में शायद पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल, डाउनलोड द ऐप एंड गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो। उसके साथ आप इसमें वीडियो, स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस आपको मिल सकता है और साथ ही साथ इसमें कई सारे कोर्सेस है, अट्रैक्टिव कोर्सेस है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की न्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है फ्रॉम CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो सस्टेनेबल माइनिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए CCL ने 25 नंबर्स ऑफ PM मॉनिटर्स जो है वो परचेस किए हैं, ठीक है, जिसकी लागत बताई जा रही है कि 2.5 करोड़ रुपया है, ठीक है। ये जो PM मॉनिटर्स है वो रियल टाइम में 10 माइक्रोमीटर से भी, यानी 10 माइक्रोन से भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन मॉनिटर कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है। ये इनकी कैपेसिटी है, यानी आप बोल सकते हैं कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स को ये डिस्प्ले कर सकता है रियल टाइम में एंड मॉनिटर भी कर सकता है, ठीक है, जिसे CCL ने प्रोक्योर किया है। नंबर कितना है? 25 नंबर्स ऑफ PM मॉनिटर्स, जिसकी जो प्राइसिंग है वो है 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखना होगा कि इसका इंस्टॉलेशन कहाँ पे ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो आ रही है फ्रॉम द कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो कोल इंपोर्ट है वो 13% से भी कम किया गया है। बता दें कि 2019-20 में टोटल जो कोल इंपोर्ट किया गया था वो 249 मिलियन टन्स किया गया था, वहीं 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा 215 मिलियन टन का था। इसके अलावा इसमें और भी जानकारी दी गई है कि लास्ट ईयर 600,000 जो टन्स हैं वो कोल के नेपाल को एक्सपोर्ट किए गए थे और मोर देन 1,00,000 जो कोल है वो बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट किए गए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के बारे में। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने MS एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया है। यह कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत SACL की 3 माइंस और NCL की 4 माइंस में ऑपरेट करेंगी। CIL ने MS एसेंचर के साथ एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें CIL के बिहाफ में श्री विनय दयाल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के DT हैं एंड MS एसेंचर के बिहाफ में श्री अमित वर्मा ने एग्रीमेंट पे साइन किया है। बात कर लेते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम NCL। NCL के CMD श्री PK सिन्हा जी ने 3D प्रिंटिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइप लैब का उद्घाटन किया है। यह लैब सिंगरौली में स्थित इसके हेडक्वार्टर में लोकेटेड है। यह न्यू R&D इनिशिएटिव कंप्यूटर में डिजाइन किए गए ऑब्जेक्ट को रियल 3D ऑब्जेक्ट में प्रिंट कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन इसके जो CMD हैं यानी NCL के जो CMD हैं उन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो कि आ रही है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद रशियन कंपनी MSIG कार्टेक्स। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1461.81 करोड़ का है। इसके तहत 11 इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल जिसकी कैपेसिटी 20 m³ होगी उसकी तैनाती की जाएगी। उसकी सप्लाई, इंस्टॉलेशन सब है इसमें इंक्लूड। और इसके अलावा इसमें जो सप्लाई है स्पेयर्स की और जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उसकी जो सप्लाई है वो 8 साल तक की यह कॉन्ट्रैक्ट इसमें साइन की गई है, ठीक है। ये एक साइन किसके द्वारा की गई है? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एंड रशियन कंपनी जिसका नाम MSIG कार्टेक्स है, इन दोनों के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम कोल मिनिस्ट्री। 6 जुलाई को कोल मिनिस्ट्री के द्वारा 46th स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि सभी कोल माइंस में बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लागू करना। मौके पर कोल सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार जैन मौजूद थे। इसके अलावा कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी भी थे। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल भी मौजूद थे। इसके अलावा अन्य मेंबर्स भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं ये है 46 स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस, ठीक है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा माइंड टेक्निकल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लें टू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।